किसान भाइयों और बहनों, नमस्कार। प्याज एवं लहसुन की खेती से जुड़ी कुछ अहम खबरें तथा महत्वपूर्ण जानकारी के साथ समस्याओं के सटीक निराकरण के लिए हम आपके लिए लाए हैं किसानों का हम सफर, प्याज एवं लहसुन समाचार। प्याज एवं लहसुन समाचार के छठवें अंक में मैं डॉक्टर शैलेंद्र गाड़गे, वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि प्रसार प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए इस अंक की शुरुआत करते हैं किसान सलाह से। आज के किसान सलाह में हम जानेंगे खरीफ मौसम के लिए सही किस्म का चयन एवं पौधशाला के लिए खेत की तैयारी के बारे में। किसान भाइयों और बहनों, सबसे पहले मौसम के अनुसार सही किस्म का चयन करना बहुत आवश्यक है, जिससे कि अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सके। हमारे निदेशालय ने खरीफ के लिए दो बहुत अच्छी किस्में विकसित की है। एक है भीमा सुपर और दूसरी है भीमा डार्क रेड। उनके बारे में बाद में विस्तार से जानेंगे। और खरीफ प्याज के लिए जून के दूसरे या चौथे सप्ताह में पौधशाला में बीज की बुवाई करना उचित समय होता है। पौधशाला तैयार करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। एक हेक्टर में रोपाई के लिए अगर पौध प्राप्त करने हैं तो लगभग 5 से 7 किलोग्राम बीज का 0.05 हेक्टर में बुवाई कर पौधशाला तैयार करने की आवश्यकता होती है। सबसे पहले खेत में गहरी जुताई कर लेनी है, जिससे कि कीट के कोष और खरपतवार के बीज सूर्य के प्रकाश से नष्ट हो जाए। खेत की अच्छी तरह से जुताई करनी है, जब तक कि मिट्टी भुरभुरी न हो जाए, तथा कैरिया तैयार करने से पहले पिछली फसल के बचे हुए अवशेष, खरपतवार और पत्थर बाहर निकाल दें। अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की आधा टन खाद 0.05 हेक्टर क्षेत्र में डालें। पौधशाला के लिए 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची, 1 मीटर चौड़ी और सुविधा के अनुसार लंबाई की उठी हुई कैरिया तैयार करनी चाहिए। पौधशाला में खरपतवार नियंत्रण के लिए बुवाई के तुरंत बाद 30 मिली पेंडीमिथिलीन 10 लीटर पानी मिलाकर छिड़काव करें। यह खरपतवार को उगने से पूर्व नष्ट कर देता है। बुवाई से पहले बीज का उपचार 2 से 3 ग्राम पर किलोग्राम बीज लेकर, थीरम या कार्बेंडाजिम 1 से 2 ग्राम पर किलोग्राम बीज की दर से करें। यह मृदा जनित रोगों से पौधों को बचाने में सहायता करता है। आर्द्र गलन रोग से पौधे को बचाने एवं स्वस्थ पौध प्राप्त करने के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी का भी उपयोग किया जा सकता है। बीज 50 मिलीमीटर से 75 मिलीमीटर अंतर पर कतार में बोना है। बुवाई के बाद बीज को महीन अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद और कंपोस्ट से ढक दे और फिर हल्के पानी का छिड़काव करें। पानी टपक एवं फव्वारा सिंचाई के माध्यम से दे। आज की विस्तृत चर्चा में हम जानेंगे खरीफ प्याज की रोपाई के बारे में। खेत में हल से जुताई करनी है, ताकि पिछली फसल के बचे अवशेष एवं पत्थर हट जाए और ढेले टूटकर मिट्टी भुरभुरी हो जाए। सड़ी हुई गोबर की 15 टन खाद या मुर्गी खाद 7.5 टन पर हेक्टर या केचुए की खाद 7.5 टन प्रति हेक्टर आखिरी जुताई के समय खेत में डालकर अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। चौड़ी उठी हुई कैरिया जिनकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 120 सेंटीमीटर और नाली मतलब दो कैरियों के बीच में जो जगह होती है वह 45 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, इस तरह से कैरिया तैयार करनी है। उठी हुई कैरों में अतिरिक्त पानी जो है वो नाली से बह जाता है, जिससे काला धब्बा या एंथ्रेक्नोज जिसको बोलते हैं, उस रोग का प्रकोप कम करने में मदद मिलती है। चौड़ी हुई कैरिया बनाने की तकनीक टपक और फव्वारा सिंचाई के लिए बहुत उपयुक्त है। टपक सिंचाई के लिए हर चौड़ी उठी हुई कैरी में 60 सेंटीमीटर की दूरी पर
16 मिलीमीटर आकार की दो टपक लेटरल नलियाँ अंतर्निहित उत्सर्जकों के साथ होनी चाहिए। दो अंतर्निहित उत्सर्जकों के बीच की दूरी 30 से 50 सेंटीमीटर और प्रवाह की दर 4 लीटर प्रति घंटा रखना है। फव्वारा सिंचाई के लिए 20 मिलीमीटर आकार की दो लेटरल के बीच की दूरी 6 मीटर और निर्वहन दर 135 लीटर प्रति घंटा रखना है। रासायनिक उर्वरक नत्रजन फास्फोरस पोटाश को 100-50-50 किलोग्राम प्रति हेक्टर से दे। अगर मिट्टी में पहले से गंधक स्तर 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टर से अधिक है तब 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर और यदि यह 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर से नीचे है तब 45 किलोग्राम प्रति हेक्टर गंधक का इस्तेमाल करें। नत्रजन 20 किलोग्राम तथा फास्फोरस पोटाश एवं गंधक की पूरी मात्रा रोपाई के समय देनी है। शेष नत्रजन की उर्वरित मात्रा जो है वह 3 समान भागों में रोपाई के 15, 30 एवं 45 दिनों के बाद देनी है। जैविक उर्वरक एजोस्पायरोलियम और फास्फोरस घोलने वाले जीवाणु दोनों 5 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से आधारीय मात्रा के रूप में डालें। खरपतवार नियंत्रण के लिए ऑक्सीफ्लोरोफेन 1.5 से 2 मिली प्रति लीटर या पिंडामिथिलीन 3.5 मिली प्रति लीटर का छिड़काव रोपाई से पहले या रोपाई के समय करें। लगभग 35 से 40 दिनों के पौध की रोपाई पंक्तियों के बीच 15 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर अंतर रखकर करनी है। रोपाई के लिए पौधों का चयन करते समय उचित ध्यान रखें। कम और अधिक आयु की पौध रोपाई के लिए नहीं लेनी है। रोपाई के पहले पौध के शीर्ष का 1/3 हिस्सा काट दें। फफूंदी रोगों का प्रकोप कम करने के लिए पौधों की जड़ को कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर और कार्बोसल्फान 1 मिली प्रति लीटर के घोल में 2 घंटों तक डुबाने के बाद ही रोपाई करें। रोपाई के समय तथा रोपाई के 3 दिन के बाद सिंचाई करें ताकि पौध अच्छी तरह स्थापित हो सके। चलिए आप जानते हैं संस्थान की कुछ अहम खबरें। प्याज के मूल्य श्रृंखला प्रबंधन पर स्मार्ट आत्मा नासिक महाराष्ट्र और प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय द्वारा फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के सदस्यों के लिए 2-3 मार्च के दौरान संस्थान में 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न 2023 सम्मेलन में ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से संस्थान का विशेष सहभाग। संस्थान की महिला कर्मचारियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम का किया आयोजन। 13 मार्च 2023 को कृषि स्टार्टअप इकोसिस्टम में नवाचार तथा उद्भवन का तालमेल पर 1-दिवसीय कार्यशाला में संस्थान के निदेशक डॉक्टर विजय महाजन, वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव काले, विभिन्न क्षेत्रों के वैज्ञानिक गण, उद्यमी, किसानों एवं छात्र छात्राओं ने लिया सहभाग। 12 मार्च 2023 को संस्थान के निदेशक डॉक्टर विजय महाजन जी, प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर एजे गुप्ता जी ने एग्री मित्र FPO मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के सहयोग से प्याज फार्मों का किया दौरा और बेहतर प्याज उत्पादन तकनीक पर दिए व्याख्या। संस्थान की 24वीं अनुसंधान सलाहकार समिति RAC की बैठक डॉक्टर HP सिंह की अध्यक्षता में हुई संपन्न। दिनांक 1-5 मई 2023 किसान उत्पादक संगठनों के लिए कृषि व्यवसाय पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर ICAR, DOGR और मैनेज के सहयोगी ऑनलाइन प्रशिक्षण हुआ आयोजन। संस्थान में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का हुआ आयोजन जिसमें मुख्य अतिथि श्रीमती भाग्यश्री काले जी ने बौद्धिक संपदा अधिकारों और बौद्धिक संपदा संरक्षण में महिलाओं की भूमिका पर की बात। संस्थान के ABI सेंटर के माध्यम से प्याज एवं लहसुन संबंधित व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 कंपनियों ने किए MOU
साई। संस्थान में 16 जून 2023 में 25वां स्थापना दिवस पर इस समारोह का हुआ आयोजन और प्याज एवं लहसुन उगाने वाले किसानों और हितधारकों की सेवा के लिए एक नए युग की शुरुआत। निर्णय समर्थन प्रणाली DSS प्याज एवं लहसुन उत्पादकों के लिए एक कदम। डिजिटल समाधान के लिए संस्थान द्वारा विकसित मोबाइल ऐप का शुभारंभ। ICR DOGR में कस्टम हायरिंग सेंटर का उद्घाटन माननीय डॉक्टर KE लवांडे सर, पूर्व निदेशक ICR DOGR और पूर्व कुलपति DBS KKV दापोली द्वारा किया गया। पिछले हफ्ते महाराष्ट्र के किसान श्री रामकिशन पाटिल जी ने पूछा कि खरीफ प्याज की फसल लगाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली कौन सी किस्म की पौधशाला तैयार करनी चाहिए जिससे कि अच्छा उत्पादन मिले। खरीफ मौसम के लिए हमारे संस्थान ने प्याज की दो अच्छी किस्में विकसित की है। एक है भीमा सुपर। इस किस्म के कंद गोल आकार के और आकर्षक लाल रंग के होते हैं। इस किस्म के कंद रोपाई के बाद 100 से 105 दिनों में परिपक्व होते हैं। यह किस्म 20 से 22 टन प्रति हेक्टर की कंद उपज देती है और इसमें अधिकतर एक केंद्र के प्याज प्राप्त होते हैं। दूसरी हमारी विकसित किस्म है भीमा डार्क रेड। इस किस्म में चपटे गोल आकार के साथ आकर्षक गहरा लाल रंग के कंद होते हैं। निकासी के बाद कंद तुरंत गहरे लाल के रंग हो जाते हैं। इस किस्म के कंद रोपाई के बाद 100 से 110 दिन में परिपक्व हो जाते हैं तथा 20 से 24 टन प्रति हेक्टर कंद उपज मिलती है। किसान भाइयों याद रखें, आप व्हाट्सएप या फ़ोन पर भी प्याज एवं लहसुन की खेती की समस्याओं के समाधान के लिए हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए संस्थान का व्हाट्सएप नंबर है 8459715576। किसान भाई, इस अंक का समाचार यहीं पर समाप्त होता है। संस्था के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं अगले अंक में प्याज एवं लहसुन की कुछ नई जानकारी, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।